हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार विजय, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट एंड एंड्रोलॉजिस्ट इन कोलकाता। आज हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन लेवल को आप नेचुरली कैसे बढ़ा सकते हैं, उनके क्या साइंटिफिक प्रूफ्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। नॉर्मली हम जो हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ाते हैं नेचुरली, उसके दो तरीके होते हैं। या तो उसका सिक्रेशन, जो प्रोडक्शन है टेस्टिस के थ्रू, उसको बढ़ा दें, या फिर जो ये टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन हो गया है उसका जो डिग्रेडेशन होता है, ताकि वो जो एस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम रोक सकें। ये तो क्लियर कट साइंटिफिक प्रोन भी है कि अगर आप अच्छी स्लीप लेते हैं, ठीक ढंग से रेस्ट करते हैं, 7 से 8 घंटे की स्लीप लेते हैं, आपका वेट नॉर्मल है, हेल्दी वेट है, और आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, उसमें आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल नॉर्मल रहता है। कुछ स्टडीज रिसर्च अभी भी चल रही हैं और कुछ रिसर्च प्रूव भी कर चुके हैं कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनका यूज़ करने से आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली बढ़ता है। उसके बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर, उसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह करके ही उन सप्लीमेंट्स की जो प्रिपरेशंस अवेलेबल हैं उनको यूज़ करें। उनमें से जो कॉमनली हैं वो है जिंक। जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को लेवल को बढ़ाता है। उसकी प्रिपरेशन मार्केट में अवेलेबल है, आप डॉक्टर से सलाह से उसको ले सकते हैं। कुछ विटामिन डी प्रिपरेशंस होती हैं, वो कैप्सूल्स भी अवेलेबल होते हैं, जेल फॉर्म में भी अवेलेबल होते हैं। यूजुअली हम लोगों को 3000 यूनिट पर डे लेना होता है, जिसके लेने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन ये प्रिपरेशन भी आप डॉक्टर के सुपरविजन में ही लें। उसके अलावा एल आस्पार्टिक एसिड नाम का एक एमिनो एसिड होता है, जो कि आपका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसमें एलएच और एफएसएच को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ जाता है। यह अमीनो एसिड आपके स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए भी जरूरी होता है। तो ये इसके ऊपर भी अभी तक रिसर्च चल रही है, और कुछ रिसर्च इसे प्रूव भी कर चुकी है कि ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ाने के लिए अच्छा है। पर अब स्टिल इसके ऊपर भी रिसर्च चल रही है। एक हार्मोन होता है DHEA, ये हार्मोन भी आपके शरीर में अगर दिया जाता है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। लेकिन अभी तक ये साइंटिफिकली 100% प्रूव नहीं है, बट आपने ये देखा होगा कि ये हार्मोन जो DHEA हार्मोन अगर ले लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स पर्सन्स, तो उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। तो अगर ये हार्मोन आपके शरीर में मिलता है तो इसे स्पोर्ट्स के अंदर इलीगल माना जाता है। तो DHEA हार्मोन अगर आप लेते हैं, अगर आपकी उम्र ज़्यादा हो रही है, आपकी उम्र बढ़ रही है, जैसे कि मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया है कि 30 साल के बाद में आपका जो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है 1 से 2% पर ईयर कम होता चला जाता है। तो अगर आपका एज ज़्यादा है तो एज के हिसाब से अगर इसको आप यूज़ करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल नॉर्मल रहेगा। लेकिन आज हम बात करेंगे क्या नेचुरल वेज हैं, क्या आप नेचुरल चीज़ें खा सकते हैं जिनके सेवन करने से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा। तो उनमें से सबसे पहले बात करते हैं नॉन वेज जो खाते हैं उनके बारे में। अगर आप फिश का सेवन करते हैं, उसमें एक टूना फिश अवेलेबल होती है जिसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा होता है, जिससे कि आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन लेवल बढ़ता है। ओइस्टर होता है, वो भी एक प्रचुर क्वांटिटी ऑफ जिंक देता है। अगर आप शेलफिश लेते हैं, जैसे जैसे कि क्रैप्स है, लॉबस्टर है, इनका भी अगर आप सेवन करते हैं, उनके अंदर भी जिंक और विटामिन डी अच्छा क्वांटिटी में रहता है। आप एग योक, यूजुअली एग वाइट तो सभी खाते हैं, एग योक को लोग नहीं खाते हैं क्योंकि उसके अंदर एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि हमारे शरीर के लिए बैड फैट के रूप में हम जानते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल का इश्यू नहीं है तो आप एग योक का सेवन करने से आपके अंदर इसमें जो कोलेस्ट्रॉल होता है, इसके अंदर विटामिन डी होता है, वो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाता है। अब बात करते हैं वेजिटेरियंस के बारे में। अगर वेजिटेरियन है तो आप लो फैट मिल्क जो फोर्टिफाइड विद विटामिन डी होता है उसका सेवन करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। अगर आप फोर्टिफाइड सीरियल्स लेते हैं या होल ग्रेन के रूप में भी अगर आप लेते हैं, जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, मकई है या फिर चावल है, इनका भी अगर आप सेवन करते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। कुछ बीन्स और नट्स भी होते हैं जो कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाते हैं, जैसे कि काबुली छोला हम लोग बनाते हैं, खाते हैं। इसके अलावा कुछ बीन्स होती हैं जो कि हम सोक्ड बीन्स खाते हैं, कुछ दालें भी होती हैं। ये सब चीज़ें जिंक का बहुत अच्छा सोर्स होती हैं, उनको लेने से भी आपके शरीर में विटामिन जिंक की क्वांटिटी बढ़ने की वजह से आपका शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ जाता है। इसके अलावा
आप गार्लिक का सेवन कर सकते हैं, आपको अदरक का सेवन कर सकते हैं, और जो मेथी दाने होते हैं उनका सेवन करने से भी आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता है। आप सुबह के टाइम पे अगर कॉफी लेंगे उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। और एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन होती है अश्वगंधा। अश्वगंधा यूजुअली हम लोग यूज करते हैं इम्यूनिटी के लिए, स्ट्रेस को कम करने के लिए। तो अश्वगंधा लेने से स्ट्रेस कम होता है और स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं। जब ये स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं तो हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। तो अश्वगंधा लेने से भी आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात की है साइंटिफिक क्या प्रिपरेशंस आप मार्केट में अवेलेबल हैं, उसके अलावा नेचुरल क्या क्या चीजें होती है जो नेचुरल वेज होते हैं जिनके सेवन करने से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ सकता है। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो उसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।